बीच मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से भी इस बारे में जवाब तलब किया है। कोर्ट में ये बताया कि नए लोगों को इंक्लूड करने के लिए, वुमेन्स के लिए और सोसाइटी के ऑल कॉर्नर से लोग इन्वॉल्वमेंट हों डेमोक्रेसी में, यही परिकल्पना थी संविधान की। और ये जो संविधान की परिकल्पना के खिलाफ में जो इस तरीके से ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो पब्लिक मनी और पब्लिक एक्सचेकर है, जो गवर्नमेंट मशीनरी जो मिसयूज होगी, उससे पब्लिक का ही लॉस होगा। ऐसे में कोर्ट ने भी एग्री किया और कोर्ट ने भी माना कि वी आर ऑल्सो कंसर्न फॉर द पब्लिक मनी। इंटरिम रिलीफ जब नहीं मिला हमारे लिए, तो हमें डेफिनेटली हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा जाने का कोई और विकल्प नहीं है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि ये पाले में है इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है तो वो रीशेड्यूल भी कर सकता है इलेक्शन को। हम लोग 1-2 दिन में वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचेंगे।